नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सोमेंद्र सरकार कोलकाता से, और आज के एपिसोड जो गेस्ट हमारे साथ रहेंगे उनके बारे में क्या कहना। मैं जब पहले उनसे मिला था तो मुझे लगा था कि पहली बार मिल रहे हैं। हम लोग एक ट्रेनिंग में मिले थे और दोस्ती तब तक हुई नहीं थी। मन में बहुत सारे सवाल था कि नया जगह, नए लोग, और एक जो कोलिग आ रहे मेरे, उनके साथ कैसे मेरा रैपो बिल्डअप होगी। वो तमाम चीजें एक पल में हट गया जब उनको मैंने देखा फर्स्ट टाइम, और वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह मेरे सामने आए, और तुरंत हम दोनों इतना घुल मिल गए थे। और उसके बाद काफी दिन हमने करीब 21-22 दिन साथ में काम किए। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, एंड एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एज ए फादर, हर रोल वो निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। आइए मिलते हैं आज शांति कुमार तिर्की सर से। सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। यस सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, बिल्कुल। बेसब्री से इंतजार में था। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग होते रहा है सर। होते चीजें अच्छी हो गई। और बहुत मतलब ये क्या बोलेंगे, मौसम थोड़ा सा यहाँ खराब हो रहा है अभी। सडनली बहुत थंडरिंग हो रहा है, बाहर बारिश स्टार्ट हो रही है, हवा तेज चलना शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कनेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं करके। जस्ट नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, अभी अभी शुरू हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का जो कुछ देर का समय है बहुत अच्छे से चलेगा, अच्छा बीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई अच्छी चीज होने से पहले ना एक आभास मिल जाती है, और वहां पे देखिए कुदरत भी आवाज आपको दी है कि हम लोग मिलने वाले हैं और एक कमाल की बातचीत होने वाली है सर। बिल्कुल तो आप ही के साथ हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं, आपके जो भी बीता हुआ कल शुरुआत के दिनों से। सर, आप बताइए आपके आर्ट की जर्नी जो है वो किस तरह से शुरू हुआ। तो हमारे आर्ट आलाप वहीं से स्टार्ट करते हैं सर। एक छोटी सी लाइन है, वो मैं कहना चाहूंगा शुरू में। यादें मनुष्य के जेहन पर खिंची हुई पत्थर की वह लकीरें हैं, यादें मनुष्य के जेहन पर खिंची हुई पत्थर की वह लकीरें हैं, जो वक्त के गर्द द्वारा धुंधलाए तो जा सकती है परंतु मिटाई नहीं जा सकती है। तो ये जो दौर है, समय जो बीता हुआ है, पत्थर फिर खिंची हुई लकीरों की तरह होती है जो मिटाया नहीं जा सकता है, और जो गर्द होता है वक्त का उससे थोड़ा धुंधला जरूर हो जाता है, बिल्कुल लेकिन समय के साथ में फिर उसको हम लोग फिर से रिन्यू करते हैं और उसको जीने लगते हैं, और वो हमारा एक सहारा की तरह होता है और हमको आपको आगे पुश करता है। तो मेरे जो पेंटिंग की लाइफ है कहें, या फिर उस तरफ मेरा रुझान है, वो किस तरह से बढ़ा, मैं इस ओर उसको थोड़ा सा मैं सभी दर्शकों को, या जो श्रोताएं हैं, श्रोताओं श्रोतागण बिल्कुल है आज मुझे जो सुनने वाले हैं और मुझे देखने वाले भी हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करते हुए अपनी बात रखूंगा। तो कला के क्षेत्र में मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, रुझान ओके मेरा शुरू से रहा है, और शुरुआत से भी मैं हॉस्टल की जिंदगी से जिंदगी जी रहा था। बचपन से मैं हॉस्टल में रहा, मेरे बड़े भैया मेरे साथ थे। थोड़े दिनों के बाद में वहां से काफी दूर पड़ता था। तो हमारे समय में क्या होता था कि पहले फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो क्या है, चिट्ठियों का दौर चलता था। और बिल्कुल मैं जहां तक सोचता हूँ कि हम सबने उसको आजमाया है, और हॉस्टल में रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को हम चिट्ठियों के द्वारा ही पहुंचाया करते थे। तो उस समय क्या होता था, जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, बड़े भैया थे, हालांकि वो आर्टिस्ट नहीं है, बट उस समय बचपन में ऐसा होता है ना कि सब लोग आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो वो खत के किसी कोने में या नीचे कॉर्नर पे छोटा सा गुलाब का फूल बना देते थे, या कोई दूसरे कलर का कोई फ्लावर बना के भेजते थे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें होती थी, तो उसको जब मैं रिप्लाई करता था तो मैं भी वही काम करता था, सुंदर सा कॉर्नर पे डिजाइन बना दूंगा या कोई फ्लावर बना दूंगा। तो
उससे क्या होता था, अगले खत में जब भैया लिखते थे तो वो अप्रिशिएट करते थे मुझे कि आपने जो पिछली खत में गुलाब का फूल बनाया था या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया था जो बहुत अच्छा था ऐसा करके, तो वो मोटिवेशन मिलता था। और फिर मैं होता क्या था, जैसे अपने क्लासरूम में जो सराउंडिंग्स हमारे दोस्त लोग हुआ करते थे, उनके नोट्स वगैरह कुछ बनाना होता था तो उसमें डिजाइनिंग वगैरह करना है, कुछ भी ड्राइंग बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, तो मैं इसको टेकअप कर लेता था, देखता था कि अपने बीच में अपने क्लास में थोड़ा अच्छा बना लेता था, तो सब लोग चाहते थे कि मैं ही करूं सबका काम, तो प्रैक्टिस मेरी ज्यादा होने लग जाती थी मतलब उसके कारण। तो वो रहा मैं जब प्राइमरी क्लासेस और मिडिल स्कूल्स में था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैं हाई स्कूल पहुंचा तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हुआ वहां पे और मैं ड्रामा में उतर गया। तो उस समय अगेन मतलब मोबाइल या टीवी का चलन इतना ज्यादा नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, ड्रामा प्रैक्टिस करते थे। और मैं शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में रहा हूँ, है ना, प्रीस्ट लोग जो चलाते हैं, मिशनरी स्कूल है, तो उसमें मैं पढ़ा हूँ। तो होता क्या था, कभी कोई फीस्ट होता था या जो सेलिब्रेशन होता था, जैसे सेंट जीवियस एक सेंट है तो उनके नाम पे स्कूल है, तो उनका जब सेलिब्रेशन होता था, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता था, तो बहुत ग्रांड लेवल पे होता था। तो उस समय क्या होता था, हम लोग ड्रामा प्रिपेयर करते थे, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का ड्रामा हुआ करता था। तो 2.5 घंटे 3 घंटे का जो ड्रामा हुआ करता था पहले, और उसपे हम लोग मतलब मैं चला गया और लीड रोल मिलता था, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता था कि हमको बेहतर करना है और इतने सारे ऑडियंस हमारे पास होगा तो उनके लिए बहुत अच्छा करना है करके। तो उस समय ड्रामा फील्ड में क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक, उस दौर में मतलब मैं ड्रामा में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। और होता क्या था, जब भी हम लोग कोई ड्रामा करते थे तो उसमें स्टेज डेकोरेशन होता था, स्टेज का सेटअप तैयार करना होता था, तो वो भी मुझे ही करने को मिलता था, तो मेरे को डबल ड्यूटी करना पड़ता था। एक तो ड्रामा के लिए प्रिपेयर हो जाओ, एक्टर भी है और बैकस्टेज आर्टिस्ट भी है जो बैकग्राउंड सेट डिजाइन भी कर रहे हैं। तो जी 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 बिल्कुल, तो वो दोनों चीजें मेरे साथ चलती रहती थी। तो पूरा बैकग्राउंड जो है मैं डिजाइन करता था, पूरा सेटअप तैयार करता था, झोपड़ी बनाना है या कोई भी जैसे रहता था, मतलब जो नाटक का जो डिमांड होता था बैकग्राउंड में, तो वो मैं प्रिपेयर करता था। तो उसमें थोड़ा सा वैसा रुझान होगा। तब जो ड्रामा देखने आते थे वहां पे, तो क्या होता है, हमारा जो स्कूल था सेंट जीवियस स्कूल था अंबिकापुर में, उसके अतिरिक्त नियर बाय दूसरे स्कूल थे, जैसे ओर्सलाइन स्कूल था, सेंट एन स्कूल था, होली क्रॉस स्कूल था। तो होता क्या था कि यहाँ के जो दर्शक लोग आते थे, वहां के नन्स आते थे, सिस्टर लोग आते थे देखने के लिए, तो लोग देखते थे, फिर ड्रामा के साथ साथ देखते थे कि बैकग्राउंड भी इतना अच्छा बना हुआ है, तो वो बोलते थे कि यार किसने किया ये, अगेन मेरा नाम वहां सामने आता था। फिर धीरे धीरे क्या है, वो लोग भी डिमांड करने लगे, हमारे हॉस्टल इंचार्ज को बोलते थे कि शांति को हमारे पास भेजिएगा, थोड़ा फीस्ट आ रहा है, कुछ प्रिपेयर कराना है। तो इस तरह से फिर वहां मैं चले जाता था, तो अगेन फिर उस फील्ड में वैसा जुड़ता गया। ये ड्रामा का दौर खत्म होता है धीरे धीरे। उसके बाद में फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो उस समय एक हमारे सीनियर थे भोपाल से, उन्होंने किया हुआ है, तो एक दिन हॉस्टल आए थे घूमने के लिए। फॉर्मल ट्रेनिंग ये आफ्टर 12 आपने भोपाल से किया? जी जी जी, भोपाल से किया। तो उस समय एक सीनियर थे हमारे, तो वो एक दिन ऐसे ही रैंडमली घूमने आए थे हॉस्टल, तो उन्होंने कहा कि इस फील्ड में आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, जब तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है, तुम कर सकते हो करके। तो टिल देन आई नेवर न्यू अबाउट द आर्ट फील्ड, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक मुझे पता नहीं था कि आर्ट में ऐसे कुछ पढ़ाई होती है, ये करके मेरा पहला क्वेश्चन था कि आर्ट में पढ़ाई होती है क्या सर ऐसा करके। तो बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलना ऐसा करके। आई मतलब वहां होकर के भी क्या है, छोटे गाँव से मैं आता हूँ, वहां पे अंबिकापुर से करीब 60 किलोमीटर और आगे अंदर है, तो वहां पे, और मैं हॉस्टल में रहा शुरू से बचपन से, तो वो भी अंबिकापुर से काफी दूर है, तो एकदम से टच में नहीं था कि शहर से काफी दूर रहा मैं। तो फिर धीरे से क्या हुआ, भोपाल वाली बात जब निकली, तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं जाऊं ना जाऊं, बहुत दूर है भोपाल वहां से, तो ये सब सारी चीजें चल रही थी। फिर बाद में उन्होंने अच्छे तरह से मुझे समझाया कि इसमें पढ़ाई होती है, आगे इस फील्ड में जा सकते हो, और बाय बर्थ यू आर लाइक नो इन दिस फील्ड, आप आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे भोपाल जाना है। जब भोपाल गया तो उस समय क्या है, हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना था, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो ऐसे मजाक में बोला करते थे, अरे तुम लोग छत्तीसगढ़ वाले इधर क्यों आ गए हो,
आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार क्या होने वाला है, पता नहीं होगा कि नहीं मेरा एडमिशन, मैं इस फील्ड में आया हूँ कुछ पढ़ने के लिए ऐसा करके। फिर एक स्कल्प्टर है, इंटरनेशनल स्कल्प्टर है, रूबिन डेविड सर है, उनका बहुत ही अच्छा काम है, तो शायद आप में से कोई जानता भी होगा, तो भोपाल के आर्टिस्ट हैं। तो वो मुझे एक दिन बोले कि आप मेरे साथ चलना, मैं आपके प्रोफेसर से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा आपके एडमिशन के बारे में। तो वो घर लेके चले गए मुझे, अपनी गाड़ी में बिठा के घर ले चले गए। और उस समय हमारे पास मैडम प्रोफेसर मंजुषा गांगुली, कोलकाता की वो भी रहने वाली है, वो मतलब कोलाज आर्टिस्ट है, डॉक्टर मंजुषा गांगुली है, तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ और मेरा रोल रहा है उनके साथ में। और इस तरह से मैं मतलब कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर आगे बढ़ता गया, दौर ऐसे चलता गया, बहुत सारी चीजें। और आपकी जो जैसे आपने अभी जिक्र की कि पत्रचार जो उस समय के जो लेटर थे, यानी हम लोग उस जमाने के हैं जहाँ पे पोस्ट कार्ड से आज ईमेल तक हम पहुंचे हैं और उधर रेडियो से लेके यूट्यूब तक पहुंच गए, तो ये जर्नी काफी बड़ा है। एंड चलिए मैं आपके कुछ काम पहले दर्शकों को दिखाता हूँ, और उसमें मिक्स काम है, आपने कुछ काम ऐसे रखे हैं जो आप खुद के सृष्टि जो आप चाहते हैं कि अपने मन के लिए बनाए, और कुछ था जो स्पिरिचुअल वर्क है एंड कमीशन वर्क है, दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली देख लेते हैं, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहेंगे, फास्ट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके बिल्कुल बिल्कुल सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, शुरू करें। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो अब जितना भी जो काम अभी शो हो रहा है सामने स्क्रीन पे, वो कॉलेज की पढ़ाई के खत्म करने के बाद के दौर का है। लगभग 2 साल जो है मैं भोपाल में रह करके मयूर स्कूल में एज अ टीचर कॉलेज कंप्लीट करते करते ही ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर 2 साल के बाद में 2011 में मैं केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन कर लिया। तो इस बीच में जो है एक बात जो कॉलेज करते समय मुझे ऐसा मतलब हमारे सीनियर्स के द्वारा कहा गया या प्रोफेसर्स ऐसा बोला करते थे कि अभी बेसिक जो है आपको लर्न करना है, रूल्स सारे जो पेंटिंग के हैं वो लर्न करना है, यू लर्न द रूल्स एंड लेटर ऑन यू ब्रेक द रूल्स, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के थोड़ा मैं काफी ज्यादा मतलब उस फैक्ट को लेकर के इम्प्रेस था। और जैसे ही फिर मैंने कॉलेज कंप्लीट किया और बाहर जब फील्ड में आया काम करने के लिए, तो मैं सबसे पहली पोस्टिंग तो मेरी हार्ड स्टेशन में बचेली में हुआ था, दंतेवाड़ा जो नक्सल एरिया है, तो इट वाज अ टफ टाइम टू गो देयर, बट वंस आई रीच्ड देयर, वहां पहुंचने के बाद फिर वो चीज मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वहां पे थोड़ा माहौल कुछ अच्छा नहीं है करके, है ना, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है वो थोड़ा सा वैसा है, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने देखा कि एक अलग ही माहौल है। तो फिर वहां से फिर से मैंने स्टार्ट किया लाइनअप करने के लिए, काम थोड़ा वैसा करने लग गया। और जो आप म्यूरल्स वॉल म्यूरल्स देख रहे हैं, इसमें मिक्स मीडिया का काम मैंने किया है, कुछ सीमेंट का कार्बिंग वर्क है, कुछ रिलीफ वर्क है, पेंटिंग भी साथ में जुड़ा हुआ है। ये सारा चीज है क्या है, जिसे मैं एक क्या बोलते हैं पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्कल्प्टर की तरफ थोड़ा सा मेरा रुझान आया, इसलिए कि मैं वही चाह रहा था कि मैं थोड़ा रूल ब्रेक करूँ, अपने अपने लिए जो रूल बनाया हूँ कि मैं आर्ट का स्टूडेंट मतलब पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ, उससे मैं बाहर निकल करके फिर मैं दूसरे फील्ड में भी काम करना चाह रहा था। और वैसे भी थोड़ा वर्साटाइल मन में चल रहा था कि वर्साटाइल बनू मैं अलग अलग फील्ड में, जैसे सरस्वती में ये क्राइस्ट के ऊपर जो आपके काम है लगभग ये चार्ट में किया हुआ होगा, और साइज कितना होगा इसका? साइज सर जो अभी एट प्रेजेंट जो दिख रहा है ये करीब 10 फीट चौड़ाई है और इसकी हाइट करीब 14 फीट है। ऊपर की तरफ जो कुछ एरिया है थोड़ा प्लाई है, और ऐसे जो चर्चेस में जितने भी काम है वो मतलब बड़े साइज में ही काम हुआ, केवल फीट में है ना, बड़े बड़े एरिया जितना फ्रंट एरिया होता है लगभग कुछ साइज ऐसे हैं जिससे 30x12 फीट है, और कुछ साइज उससे भी बड़े हैं मतलब 50x12 फीट है ऐसा है। तो और दूसरी चीज क्या होता था, जैसे ये सारे काम जो मैं करता था केवल नाइट में क्या करता था, स्कूल भी देखना है, स्कूल का सारा काम निपटाने के बाद में घर आना है, घर से आने के बाद में जहाँ प्रोजेक्ट का काम मुझे लिया गया है या लिया हूँ तो वो काम मुझे करना होता था,
तो क्या है, मैं टीम भी नहीं क्रिएट कर पाता था अपने जो नियर बाई कोई साथी को ले लूं साथ में काम करने के लिए। तो क्या है, चर्च में मैं अकेले ही ये प्रोजेक्ट हैंडल करता था, रात में चला जाता था शाम को 6 बजे 7 बजे और 9-10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक मैं आराम से चर्च में अकेले बिना किसी डिस्टर्बेंस के। बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब आवर्स मैं वहां पे चर्च में बैठा हूँ, आराम से देख रहा हूँ और टाइम बीतता जा रहा है, और ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ कॉपी वर्क ही कर रहा हूँ। कुछ कुछ काम है जो कॉपी वर्क है, बाकी जो है वो प्लेन वॉल मुझे दिखा देते थे कि ये प्लेन वॉल है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है चर्च के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, बातों से। आपके बातों से मुझे याद आ रही है जब अजंता केव में भी काम हुआ होगा, तो बुद्धिस्ट मंग अपने मेडिटेशन के लिए काम में ही मग्न रहते थे, तो और काइंड ऑफ जो वर्क आप यहाँ पे चर्च में किए हैं वो भी वही है। एक एक तरफ से आपका मेडिटेशन भी हुआ, आपका काम के प्रति आप एकाग्रचित में आप काम कर रहे थे, कुल मिला के एक अलग सा ही माहौल अपना आपने क्रिएट किया था। आइए मैं कुछ आगे के काम देखता हूँ, इसमें कुछ फाउंटेन वगैरह दिख रहा है। हाँ, ये फाउंटेन एक्चुअली हमारे यहाँ सर हैं तो उनके छत पे बनाया हूँ, और ये सीमेंट का दूसरा जो फिश वाला पैटर्न दिख रहा है, ये टेबल भी मैं खुद ही मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। इसमें एक जीसस की कहानी भी है, मतलब पैराबल है, इसमें दो फिश और 5 मछलियों को 5,000 लोगों के बीच में वो बांटते हैं प्रेयर के थ्रू से, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के ऑल्टर क्रिएट किया गया है। ऊपर स्लैब दिख रहा है थोड़ा सा ग्रे शेड का, वो 3x6 का है स्लैब, है पत्थर का स्लैब है, इसके नीचे का बेस है वो। ये पहले भी हमने देख चुका, ये इस एरिया में रखा गया है। हाँ, ये हाँ, चर्च के उसमें फ्रंट में जहाँ ऑल्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीस्ट प्रेयर करते हैं वहाँ पे। और जो फाउंटेन जहाँ देखे थे आप, देख रहे होंगे इसमें रॉक बने हुए हैं, एक्चुअली उसमें पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा तक अटैच नहीं है, वो सीमेंट में कार्विंग किया हुआ है, मतलब कर्व करके उसके अंदर जो बेस डाल करके फिर उसके ऊपर मैंने क्रिएट किया है। अच्छा, तो ऐसा शो हो रहा है जैसे पत्थर का टुकड़ा उसमें अटैच कर दिया गया, फिक्स कर दिया है करके, बट उसमें छोटा सा सिंगल स्टोन भी नहीं है, मतलब क्रिएशन है वो, वैसा क्रिएट कर दिया उसको, इस तरह से इल्यूजन हो रहा है। चलिए, और ये एक फाउंटेन है, मुझे लगता है कि ये आपके केवी में ही बना हुआ है। ये रिसेंट वर्क है मेरा, 2022 में मैंने कोविड के टाइम में जा करके मैं स्कूल में थोड़ा स्पेंड किया टाइम, और केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के इसमें गार्डन में इसको बनाया हूँ, और ये वर्किंग मॉडल कह सकते हैं या स्टैचू है, करीब 12 फीट के आसपास का है। इसमें कंक्रीट वर्क है, ये मेरे बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में मैंने इसको लिया था, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है ये को। जैसे शुरू में बताया कि मैं पेंटिंग के फील्ड का हूँ, और इस तरह से सीमेंट में कार्व करना, उसको एक प्रॉपर मेजरमेंट और एक्यूरेसी देना उसको, तो वो चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग था। लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता था तो उसको एक चैलेंज की तरह लेता था, और उसमें करने में जो मजा है, एक खुशी मिलती थी मुझे, वो इनर जॉय जो होता था, तो वो मुझे मोटिवेट करता था। और ये अभी जो काम दिख रहा है, ये भी एक कमीशन वर्क है, ये कॉपी वर्क है एक्चुअली, तो इसमें मैंने करके दिया हुआ था किसी को, अंबिकापुर में किसी ने इसको, एक प्रोफेसर है तो उन्होंने दिया था। ये रायपुर में एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च बनाया गया है, कम से कम ये इसकी हाइट कम से कम 120-130 फीट है, चर्च की हाइट है, बहुत ऊंची जगह में है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था देखने के लिए, बोला गया कि काम करना है सर्मन ऑन माउंट करके, एक जीसस का है यहाँ पे बैठ करके ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कुछ सर्मन दे रहे हैं, तो ये था। तो 120 फीट हाइट पे मुझे लेके गए वहां के जो प्रीस्ट है, वो बोले कि यहाँ बनाना है करके। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मेरे पैरों से मतलब पसीने आने लग गए थे, इतनी हाइट पे जब नीचे जब पलट के देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं ना कर पाऊं इतनी हाइट पे जा करके। फिर एक दो बार मैं सोचा कि चलो अप डाउन कर लेता हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फिर मैं वैसा ही किया एक दो बार आना जाना के ऊपर। उसके बाद फिर थोड़ा लाइनअप हुआ, मुझे लगा कि क्यों नहीं कर सकता हूँ, और फिर मैंने वो चीज रिकॉल किया, माइकल एंजेलो वाली बात, उनके बारे में जिसे कहा जाता है कि वो अपने कैप में कैंडल लगा करके सीलिंग में काम करते थे, है ना, तो वैसा काम मुझे भी करने को मिला। एक दूसरा चर्च का काम मैंने लिया था, तो वो ऐसा टूम बना हुआ है, तो ऐसा लेट के उस पे काम करता था मैं। अच्छा, ये जो काम है ये ऊपर ही बनाया हुआ है या फिर आपने नीचे बना के ऊपर फिक्स किया? इसको मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ दुर्ग में ही बनाया, एक्चुअली क्या है वो स्लैब्स हैं, रिलीफ वर्क है, तो बड़े बड़े स्लैब्स हैं, है ना, लगभग मेरे को लगता है 1.5x2 ऐसा के स्लैब्स हैं, वो रिलीफ वर्क है। नीचे छोटा सा इसमें दिख रहा है जहाँ मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो ये करीब टोटल 12 फीट की हाइट के लगभग का एरिया है मतलब, और 24 फीट ऐसा
विड्थ है उसका, तो उसको क्या है, मैंने पहले जैसे क्ले में काम किया, फिर उसको कास्टिंग किया सीमेंट में, स्लैब्स में कट किया, और फिर यहाँ से फिर लोड करके लेके गया, फिर वहां जाकर के उसको ड्रिल से उसको फिक्स कर दिया, उसके बाद में फिर उसको वहां पे हैंगिंग करके बम्बूज लगा करके उसमें खड़े होकर फिर पेंटिंग का काम किया था। तो ये थोड़ा फास्ट हुआ काम, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि फिनिशिंग और टाइम मिलना था, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड था, तो बोले कि अगर कर पाते कलर, तो कर कलर का जो काम है वो अगर आप ऊपर चढ़ के किए हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप सिंगल हैंड सर, और एक्चुअली क्या होता, इनॉग्रेशन का सिर्फ एक दिन रह गया था, एक या लगभग एक दिन रह गया था, तो क्या है सारे जो वो लगे थे, क्या बोलते हैं उसको, जो बंबू भाड़ा उसको हम लोग बोलते हैं, सारे बंबू जो भाड़ा लगा हुआ था पूरा निकाल दिए थे। तो वो मैंने हैंग करके ऊपर जो क्रॉस दिख रहा है वहां पे रस्सी बांध करके, फिर नीचे अपने जो झूला में जो पेंट करते हैं आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस टाइप से कॉन्सेप्ट में मतलब ले करके फिर कमर में बांध चैलेंज था आपके लिए, हैंग होकर के काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आइए तो आगे आपकी कुछ पेंटिंग्स के काम देखेंगे जो अभी आप कैनवस या पेपर में कर रहे हैं। जी जी जी, कैनवस में है जितना भी काम अभी, जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थोड़ा है और जो सेल्फ क्रिएशन है ये थोड़ा वैसा काम है, जैसे एक सामने जो दिख रहा है इसमें एक एनिमल और बर्ड का है ना, एनिमल के ऊपर एक रेड बर्ड भी बैठा हुआ। कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, जैसे आपने देखा होगा जैसे गाय बैल मतलब चारागाह में चर रहे हैं तो वहां पे बगुला या कोई दूसरी बर्ड आके के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन रहता है ना, वहां पे आकर के जो छोटे कीड़े मकोड़े जानवर चल रहे हैं तो वहां से एकदम से निकलता है, उसको चिट्टिया अपने लिए दाना के रूप में चुभ लेती है, तो उनके बीच में जो संबंध है उसको दिखाने के लिए किया हूँ। और ज्यादातर जो मेरी पेंटिंग्स हैं उसमें आप थ्रेडिंग टाइप का देख रहे होंगे, थ्रेड वर्क टाइप का है, हाँ। तो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है एक लाइफ में जो उलझन होती है ना, जो समस्याएं होती है या क्योस होता है, खींचतान होता है, उसको दिखाया हूँ, उससे लोग बाहर निकलने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पेंटिंग सामने दिख रहा है उसमें द क्लाइम मैंने टाइटल भी दिया है, छोटी सी डोर है उस छोटा सा खूंटे पे पैर रखकर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है उस बीच में मैंने स्ट्रोक्स दिया हुआ है। मेरे ज्यादातर पेंटिंग्स में स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, कलर स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, तो वो स्ट्रोक्स जो है ना डिफरेंट कलर के होते हैं और वो ऐसा दिखते हैं जैसे जॉय मतलब खुशी के कारण उछल रहे हैं, है ना, तो वो बाहर निकल के उछल रहे हैं, तो लाइफ में इतने मीडियम एक्रिलिक ऑन कैनवास, हाँ एक्रिलिक ऑन कैनवास है, तो वो जॉय जो है ना उस समय भी हमारे पास होना चाहिए जब हम लाइफ के टफ सिचुएशन में रहते हैं, तो वो चीज को मैं दिखाया हूँ। और ये सामने जो पेंटिंग दिख रहा है इसमें भी एक आदमी ऐसा दिखा रहा है जब ब्राइटनेस उस तरफ उठते मतलब उठ के जा रहा है, तो एक क्या बोलते हैं कुछ होप लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से जो है ना कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। इसमें भी दिख रहा है उलझन सी है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है वो फिश नेट फिशिंग जब करते हैं तो गांव वाले क्या करते हैं बांस के जो बना हुआ रहता है पोटली टाइप का उसको रखा रहता है, जब उसका एज खत्म हो जाता है तो वो कहीं भी पड़ा रहता है, तो वो उसका पास्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी दिन या किसी वो समय दौर रहा है जब उसका एक यूथफुलनेस था, उसमें एक अच्छे मतलब मछलियों को डाल करके वो परिवार के खुशी लेके आता था नदी से या तालाब से कहीं से भी, लेकिन वो एक दिन दरकिनार कर दिया गया है, तो वो उसका जो पास्ट होता है तो उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा था कि मैं वही मास्टरपीसेस देख रहा हूँ जो ग्रेट आर्टिस्ट के जो काम होते थे उस समय हम चले गए, एंड आपकी जो आर्ट जर्नी है यहाँ पे हमने देखा कुछ जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं, देखिए आपके टोटल वर्क में हमें एक डिवाइन जो स्पिरिचुअलिज्म वो दिख रहा था, चाहे वो चर्च के काम में हो चाहे वो आपके ये काम में हो, मतलब एक आशा की तरफ बढ़ने की जो राह है वो हम इस पेंटिंग के जरिए देख रहे थे, और वो हर जगह पे चाहे सिचुएशन आपकी जो भी रहा हो, इंसान की सिचुएशन जैसे भी रहा हो, उस सिचुएशन से लेके वो अगर साथ में काम को करते जाए तो वो मोक्ष प्राप्ति हो ही सकती है और वो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, यही चीज हमने देखा। अच्छा लगा सर, अब ये बताइए जब आपने आर्ट कॉलेज कंप्लीट की और फिर आपको तमाम काम कमीशन वर्क तो मुझे लगता है कि शुरू से ही आप कर रहे होंगे, तो फाइनेंशियल चैलेंज उतना हाँ, मैं 12th क्लास
हाँ, 12th क्लास जैसे मैं खत्म किया हाई स्कूल में, तो छोटे छोटे काम जो होते थे वो ऐसा करता था। बाकी जैसे 12th काम खत्म करने के बाद जब मैं भोपाल पहली बार गया कॉलेज के लिए, तो उसमें पहला एक पेंटिंग बनाया था। एक प्रिस्ट थे जिस हॉस्टल में रहता था मैं, तो एक प्रिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये दीवार है, काफी बड़ी दीवार है, कम से कम 30 फीट चौड़ी थी और 12 फीट हाइट था, तो बोले कि इस पे आपको पेंटिंग बनाना है। मैं देखा और डर गया। मैं बोला कि सर बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं दीवार खराब नहीं करना चाहता, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय, क्योंकि जस्ट 12th तक मैंने खत्म किया था। और फिर वो मेरे को इतना ढाड़स बंधा रहे थे कि आप कर सकते हैं। फिर एक नरेटर थे, दूसरे प्रीस्ट थे वहां पे, है ना, तो वो उन्होंने क्या बोलते हैं मुझे नरेट किया कि आप ऐसा विजुअलाइज करिए कि एक तरफ से वाटरफॉल है और थोड़ा हरियाली है, दूसरे साइड से गांव एरिया दिखाई दे रहा है जो ड्राइनेस है, तो वो जीसस को कनेक्ट कर रहे थे उसमें। बोले कि एक जो इस तरफ है और बीच में सेंटर में एक जीसस बनाओ बैठा हुआ बिल्कुल सेंटर में, और ये सोचिए कि जहां वाटरफॉल हो रहा है उधर से लाइफ आ रही है गांव के साइड में, तो वो गांव थोड़ा थोड़ा हरियाली की तरफ जा रही है, लोग वहां से पानी लेके जा रहे हैं नाले से जहां वाटरफॉल से पानी आ रहा है वहां से। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब सोच करके बोलते थे कि ऐसा करो वैसा करो, फिर छोटी छोटी चीजें जो रहती है उसको कैसे फिलर की तरह भरना है करके, जैसे वाटरफॉल के पास एक हिरण बनाओ जो उछल रहा है कूद रहा है, तो वो ऐसा मतलब ऐसा सोचो कि हाँ वो, फिर धीरे धीरे गांव की तरफ बनाओ, एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है वो देख रहा है इधर कि लोग नदी की तरफ जा रहे हैं पानी लेके जा रहे हैं वहां से, उनको देख रहा है, जो हाँ वर्बली बिल्डअप करते गए और मैं उसपे मतलब काम करते गया। फिर वो काम जो हुआ सर, उसके बाद में जो क्या बोलते हैं लोगों का जो कमेंट्स आते हैं ना देखने को, मैं उसके बाद वहां से एक साल के बाद फिर जिससे घर आ गया था, गांव आ गया था, अंबिकापुर आ गया था, तो एक बंदे ने मुझे फोन किया और वहां देखने आए थे कोई बड़े अधिकारी भी थे, वो सर थे कोई, तो आकर के फोन किए, उसके बाद फिर मुझे कांग्रेचुलेशंस बोले, और सर के पास जो हमारे डायरेक्टर थे उनके पास एक बात कही थी कि जिस आर्टिस्ट ने भी बनाया हो उनका हाथ काट डालो। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और इसके बाद में तो फिर तादाद में शुरू हुआ कि एवरी समर मतलब हर जगह अलग अलग जगह से मेरे लिए मतलब बुकिंग में हो जाता था कि जैसे इनकी कॉलेज की छुट्टियां होगी तो समर में मुझे जाना है डिफरेंट जगह, तो मैं जब शुरू से बिजी रहे बैकुंठपुर पत्थलगांव ऐसे मतलब अपने ही छत्तीसगढ़ में कुछ एमपी में ऐसे हमेशा बिजी रहा, मतलब एक नया क्रिएशन के साथ नई सोच के साथ में। और मुझे ऐसा लगता था ना कि ये जो काम है मुझे बुलाता रहता है कि आ जाओ मैं यहाँ दीवार मतलब खाली है और आकर के काम करो मुझ पे। तो आने वाले समय शांति जी आप ये बताइए कि आप अपने पेंटिंग को लेके और कुछ सोच रहे हैं कुछ और तरीके, यानी मान लीजिए कॉम्पोजिशन में कुछ वेरिएशन लाना, या इन टर्म्स ऑफ जो काम अभी कर रहे हैं इससे डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करें, या कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ है क्या? हेलो अभी इसमें क्या है मेनली जैसे जो काम अभी मैं कर रहा हूँ ज्यादातर तो नेचर से जुड़ा हुआ जो वर्क है उसको लेकर के मैं कर रहा था, और अब धीरे धीरे क्या है वो धीरे धीरे क्या है सोशल इश्यूज को लेकर के धीरे से मैं लाइनअप हो रहा हूँ, उस तरफ टर्न अप हो रहा हूँ। जैसे मेरे पीछे आप देखने को मिल रहा होगा एक पेंटिंग यहाँ रखा हुआ है, इसमें कुछ हाथ है और ये कुछ फेस है ऐसा दिख रहा है, तो इसमें क्या है मतलब मैं सोसाइटी को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि नेचर की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम लोग को केयरफुल रहना है, उसमें जंजीर लगे हुए फिंगर्स में, तो वो सोशल इश्यू है मतलब कि आप नेचर की तरफ जाते हैं तो कोई आपको रोक भी रहा है, क्योंकि क्या है नेचर उसे डिस्ट्रॉय होगा आपके बढ़ने से नेचर की तरफ, है ना, और डिस्ट्रॉय जब करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। रिसेंटली वी हैव सीन द कोरोना, राइट, तो उस फील्ड में थोड़ा सा वैसा डेवलपमेंट आ रहा है। बाकी जो मैं शैली अपना डेवलप कर रहा हूँ जो उलझन वाला जो कॉन्सेप्ट मैं शुरू में बताया था, तो उसको साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है बहुत ही। चलिए अभी तो आप पेंटिंग के साथ साथ अपने जो कला शिक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और वहां पे भी आपको काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है मिलने लगी है, और रिसेंटली आपने जहाँ पे हम लोग एक साथ काम किए टीचर्स के साथ एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया आपने, बहुत खूबी
अच्छी तरह से वो भी आपने निभाया। तो ये अलग अलग रोल आपको मिल रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ चर्चा अगर हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हमारे इस जी, बिल्कुल आलाप बिल्कुल वार्तालाप की। बिल्कुल। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है सर, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी रुचि रखता हूँ। जैसे आपको पता होगा, हम लोग साथ में होटल में रुकते थे, तो आप सोते बिल्कुल रहते थे, मैं उठ के जाता था और रोज इनविटेशन देता था आपको कि सर आज चलना है, आज चलना है। बिल्कुल, आपने आप ये बोलते कहा थे था कि ना हाँ कि आपको मेंटेन रख रहा है अपने रूटीन वर्क, तो मैंने भी जी सोचा क्यों ना मैं भी मेंटेन रखूं अपने रूटीन वर्क। सो आप बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग में चलते तो मैं अपना सोने वाला काम शुरू तो कर। ओके बोलिए बोलिए। वो एनर्जी एक्चुअली मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम करना है अभी। और एक बात मैं अक्सर लोगों से ये कहता रहता हूँ ना, कि वी नेवर नो आवर एंड, आवर लाइफ जो अनसर्टिनिटी है कभी भी हो सकता है। इसलिए क्या है, मतलब पूरा जोश के साथ करने के लिए सुबह एकदम 1 घंटा बढ़िया खेलता हूँ बैडमिंटन, है ना। अभी वही खेल रहा हूँ, बाकी तो पहले फुटबॉल वगैरह भी खेलता रहता था। तो बैडमिंटन एक खेला और फिर फ्रेश तंदुरुस्त हो गया, नहा धो करके फिर स्कूल, सारे काम वहां कर निपटाए, और वहां से स्विच हो करके यहाँ पे घर आए, घर के सारे काम निपटाना शुरू किए, और फिर पेंटिंग की ओर, और मतलब ये शाम का ही समय जो राज है था। कि आप 100 फीट की ऊंचाई में अभी भी चढ़ के काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हाँ, फिटनेस ये है तो 100% ये आपने है मेंटेन जी रखा है। एंड साथ ही जी में आप एज फादर आप अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते। मैंने देखा कि जब आप हमारे साथ वहां पे थे तो बच्चे किस तरह से जी जी आपसे बात कर रहे थे और उनको भी अपने काम के साथ जुड़े रखते हैं ताकि इन्वॉल्व है क्रिएटिव थिंकिंग उनके भी बिल्कुल डेवलप हो बिल्कुल जाए। तो स्कूल के बच्चों जी, के, आई एम श्योर कि स्कूल के बच्चों के साथ भी आपका रिलेशन बहुत ही हेल्दी है बहुत एंड अच्छा है वो आपको बहुत पसंद करेंगे। और रिसेंटली आपने जी अभी हमने वुमेन्स डे पे देखा, आपकी परफॉर्मेंस भी देखा, तो कभी मौका मिले जी तो हम लोग देखेंगे। एंड जी आने बिल्कुल। वाले शोज के बारे में कुछ बताइए, कुछ प्लानिंग। अभी रिसेंटली ज्यादा दिन अभी बचे नहीं है, मई में एक ग्रुप शो हो रहा है, हम लोग सभी हैं उसमें, इसी गैलरी में, विजुअल कॉन्फ्लुएंस, है ना। ओके करीब 12-15 लोग हैं उसमें, जुड़े हुए हैं सब लोग बिल्कुल हैं। और उसमें अभी जो कुछ पेंटिंग्स मैंने, कुछ रिसेंट पेंटिंग्स हैं, वो भी मैं शो कर रहा हूँ। और मैं भी सभी श्रोताओं से, और जो मुझे विजुअली देख सकते हैं, उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि आप लोग जरूर आइए और शो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक अच्छा दौर स्टार्ट होने वाला है हम सभी के लिए, और जो केवी टीचर्स हैं, एक नई सोच के साथ में इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता था, लेकिन उसको शो ऑफ करने के लिए, है ना, उसको लोगों तक लाने के लिए एक हिम्मत शायद की कमी होती थी, कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में हम ये सब सब कैसे करेंगे करके। तो वो बाउंड्री तोड़ करके कुछ करने की, मतलब जद्दोजहद में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल सभी आइएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम सब वहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि कितने जल्दी हम लोग मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि 14-15 आर्टिस्ट वहाँ पे रहेंगे, 5 दिन का रेजिडेंसी होगा, और कितना मतलब हम लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे ये बहुत हेल्दी इंटरेक्शंस होंगे आर्ट के लिए। और जैसे आपने कहा कि आर्ट टीचर तो हम है ही, कहीं ना कहीं हम लोग अपने काम करते हुए भी इसको थोड़ा सा एक्सपोजर नहीं दे पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं। वो एक मौका हम ले रहे हैं, बिल्कुल ये किसी बिल्कुल बिल्कुल को कोई दे नहीं रहे, हम खुद ही ले रहे हैं। और आने वाले समय बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ और भी टीचर्स आएंगे और अपने काम को लेके लेके ताकि लोग इसको देख सकें और ऑल इंडिया बेसिस लोग जुड़े हैं। तो इसी के साथ बिल्कुल हम लोग आज की जो संध्या है हम आपके साथ जो बिताए हैं ये बहुत ही अच्छा बातचीत हुई आपके काम के बारे में, आपके चर्चा जो प्रैक्टिस है उसके बारे में। तो फाइनली अगर कुछ आप और मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरा एक मैसेज ऐसा है कि स्पेस हम लोग को ढूंढना नहीं चाहिए, है ना। पर्टिकुलर हम लोग सोचते हैं कि हमको कैनवास मिल जाए, पेपर मिल जाए, तो मैं काम करूंगा, ये वो, ऐसा नहीं। जहां आपको लगता है कि वो अपने क्रिएशन, अपने मन की बात रखी जा सकती है, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पत्थरों के बीच में हो, कहीं भी,
किसी भी रूप में अगर मौका मिलता है तो आपको करना ही है, और मौका नहीं मिलता है तब भी आपको करना ही है, क्योंकि हर जगह मौका नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग खुद ही मौका क्रिएट किए हैं वाराणसी में जो एग्जीबिशन करने की बात हो रही है, तो ऐसा आपको खुद को क्रिएट करना है इनिशिएटिव लेने के लिए, आगे आने के लिए, और वही चीज आपको लाइफ में आगे लेके चलेगा। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस दिशा में काम करें और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे सर, और मौका कोई देता नहीं है और हमें ना वेट करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी खुद ही बनाना है और किसी भी हालत में उसको लेके आगे चलना है। इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा आपसे कुछ दिन के बाद बात करके फिर दोबारा, क्योंकि हमने बस ये मिस कर रहे थे एक साथ रहना, और फिर से एक साथ रहेंगे, मिलेंगे कुछ दिन के लिए। तो इसी के साथ शुभ संध्या और सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।